हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया मेहता फ्रॉम नायरोबी। यस, मैं वापस आ गई हूँ नायरोबी। ऑल सेटल्ड, लिटिल जेट लैग है, बारी बारी से फीवर हो रहा है, बट स्टिल बेटर नाउ। आई एम वेरी मच बेटर एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीबडी इन माई यूट्यूब फैमिली एंड इंस्टा फैमिली टू हैव सो मच ऑफ पेशेंस, बिकॉज ट्रैवलिंग के दौरान आई वॉज टेकिंग सेशंस जो इमरजेंसी इश्यूज थे उनके, बट मैं टाइम और डे कंफर्म इतना जल्दी नहीं कर पा रही थी। एनी वेज, आई एम सो ग्रेटफुल टू एवरीबडी फॉर दिस लव एंड सपोर्ट दे हैव गिवन मी एंड आई एम बैक। ठीक है, तो अब सेशंस और वर्कशॉप्स मैं जल्दी ही अनाउंस करूँगी। सो आज मुझे ना शेयर करना है एक और मैजिकल एक्सपीरियंस जो फेथ से कंसर्न्ड है। जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि विपरीत स्थिति में, ऑपोजिट या नेगेटिव सिचुएशन में फेथ रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और रिलैक्स होके डिटैच रहना चाहिए। इतना कुछ सिखा रही हूँ, ये बातें बोल रही हूँ, सुनने में बड़ी लगती हैं। आई नो जो बैड सिचुएशन में होता है उसे घबराहट हो जाती है, लेकिन इसी घबराहट को हमने ओवरकम करना सीखना है, क्योंकि हमें पता है लॉ इज़ रिस्पॉन्डिंग टू आवर फीलिंग्स, राइट? सो अनदर मिरेकल इन माई लाइफ विच हैपन्ड, आई मीन फॉर माई फ्लाइट, यू नो, ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ माई कमिंग बैक होम। सो हियर इट गोज। 24th डिसम्बर सुबह 3 बजे की मेरी फ्लाइट थी, जो हमारे दिमाग से निकल चुका था। हम सबको लग रहा था कि 25th डिसम्बर सुबह की फ्लाइट है और हम क्रिसमस के दिन पहुँच रहे हैं। अगर 24th मॉर्निंग की फ्लाइट है तो दैट मीन्स 23rd रात को मुझे निकलना पड़ता। ओके, एंड हम सबको माइंड में वही याद है, इसलिए मैंने जो कोविड का टेस्ट करवाना होता है वो मैंने 23rd मॉर्निंग में सैंपल दिया, ताकि 24th मॉर्निंग में मिल जाए और 24th रात को हम निकल जाए। तो सी हाउ हाउ यूनिवर्स हेल्प्स यू टू गेट द रिजल्ट्स एंड हाउ माई फेथ हैज़ हेल्प्ड मी टू कम सेफली बैक टू माई होम। तो 23rd इवनिंग हमारे घर के पास एक मार्केट लगती है दिल्ली में, और मुझे वो मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। निक नैक्स कुछ लेना हो, सबके लिए गिफ्ट्स लेना हो, मेरा बड़ा मन था वहाँ से लेके आने का। सो व्हाट आई डिड वाज, आई सेड पापा आई एम गोइंग टू दैट मार्केट एंड आई विल कम बैक ऑन टाइम। सो आई वेंट। कैन यू इमेजिन, मैंने गाड़ी पार्क करी है और मेरे मन में आवाज़ आई है, डोंट गो टू द मार्केट टुडे, नो नीड टू बाई गिफ्ट फॉर एनीबडी, जस्ट गो होम एंड स्पेंड योर टाइम विद योर पापा एंड योर सन। मेरा मन था मार्केट जाने का, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, गाड़ी से बाहर भी निकली, आगे तक गई, फिर मन में आया गो बैक, मैं फिर वापस आ गई। फिर आई सेड ओके लेट मी गो, 4-5 बार नेगेटिव आ रहा है, 4-5 बार आ रहा है, तो आई शुड नॉट अवॉइड दिस थॉट एंड आई शुड गो होम। मैं घर गई तो इट वॉज 7 PM इन द इवनिंग, और घर जाके ऐसे मेरे डैड ने बोला कि टैक्सी, कल के लिए टैक्सी अभी बुक कर लो। तो मैंने टिकट चेक करी टू चेक द टर्मिनल कि फ़्लाइट कौन से टर्मिनल पे आनी है, तो मैं टैक्सी वहीं की बुक करती हूँ। तो मैंने चेक किया ध्यान से, तो मेरे दिमाग में आया कि 24th की मॉर्निंग निकल रही हूँ और 24th को पहुँच रही हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे को तो 25th को पहुँचना था। मैंने ध्यान से टिकट देखी तो पता चला 24th मॉर्निंग 3 AM वॉज माई फ्लाइट, दैट मीन्स 23rd नाइट आई हैव टू गो। तो टेंशन हो गई, बट मेरा बैग पैक था साइड, तो ध्यान आया कि कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आपको चेक इन के समय चाहिए होती है, और मेरी रिपोर्ट तो कल सुबह 10 बजे आने वाली है। मैंने मेट्रोपोलिस जो लैब है वहाँ पता किया कि प्लीज़ अर्जेंट करवा दो, तो कहते मैम लेट से लेट रात के 1 बजे तक आ सकती है। मैंने कहा 3 बजे की फ़्लाइट है, चेक इन नहीं होगा मेरा, तो आप प्लीज़ बहुत जल्दी करवा दो। आई लेफ्ट इन 1 आवर, 7 PM मुझे पता चला, 8 PM आई लेफ्ट माई हाउस इन द कैब टू द एयरपोर्ट, कि मैं वहाँ पे भी टेस्ट करवा लेती हूँ, तो क्या पता वहाँ रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। वहाँ जाके पता चला कि रिपोर्ट 6 आवर्स में आएगी, बिकॉज जब तक मुझे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना था तब तक 9:30 बज चुके थे। तो वो कहता मैम आप एक बार सैम्पल दे दो, आपकी किस्मत है रिपोर्ट आ गई तो आप चले जाना, नहीं तो इट्स ओके। तो माई डैड वॉज वरीड, माई हस्बैंड वॉज वरीड कि ये तो पंगा पड़ गया, रिपोर्ट के बिना तो ये जा नहीं पाएगी, तो कैंसिल करना पड़ेगा। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई हस्बैंड वॉज ही सपोर्टेड मी, ही सेड प्रिया टेंशन मत ले, यू आर गोइंग विद द किट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे, आई विल पोस्टपोन योर टिकट फॉर टुमारो, तो डोंट टेक प्रेशर। आई टोल्ड माई हस्बैंड एंड आई टोल्ड माई फादर ओनली वन थिंग,
अगर भगवान जी ने या यूनिवर्स ने मुझे टाइम पे टिकट दिखा के रियलाइज करवा दिया है, दैट मीन्स दे वॉन्ट मी टू कम बैक होम. सो इफ दे वॉन्ट मी एंड दे हैव शोड मी द वे, दे विल फाइंड द सोल्यूशन फॉर श्योर. ठीक है, सब हैरान थे कितना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रही है, बट आई वॉज श्योर, राइट. मैंने सैम्पल टेस्ट दिया एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, नो टेंशन, नो प्रेशर. मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सिर्फ अपने बेटे वीर के साथ खेलती रही एयरपोर्ट पर, बिकॉज ही वॉज इन्जॉइंग द स्पेस अराउंड टू रन अराउंड. वो भागता रहा और हम खेलते रहे. आई वॉज प्लेइंग विद हिम, जस्ट इन्जॉइंग द टाइम आई हैड, बिकॉज आई लव लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहना मुझे बहुत पसंद है. तो प्रेजेंट मोमेंट क्या था, अपना काम कर दो. क्या कर दो, सैम्पल दे दो. रिजल्ट से अटैचमेंट मत रखो. अगर कोई और होता तो इस वक्त टेंशन ले रहा होता, बच्चे को भी टेंशन दे रहा होता, प्रेशर ले रहा होता, हाई नुकसान हो जाएगा, पैसे खर्च हो जाएंगे, सैंपल टाइम पे नहीं आया तो, उसने सैंपल भेजा कि नहीं भेजा लैब में, पता नहीं लोग सीरियस नहीं है, मेरा काम नहीं करेंगे तो, मैं तो फंस गई, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ भगवान जी, ये वो, हम कितना क्रिब कर रहे होते. तो मैंने क्रिबिंग नहीं करी, आई जस्ट इन्जॉयड माई टाइम एट द एयरपोर्ट. वो भी एयरपोर्ट के अंदर नहीं थे हम, एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट के आउटसाइड मेट्रो स्टेशन के ऊपर उन लोगों ने कोविड टेस्ट के पूरे कैंप्स लगा रखे थे. तभी बताए, मैं इंजॉय करती रही. माई डैड वॉज अवेक द होल नाइट, माई हस्बैंड वॉज अवेक द होल नाइट. उन दोनों को टेंशन लगी हुई थी क्या होगा. आई वॉज रिलैक्स्ड एंड सी वॉट मिरेकल हैपेंड. सो जो टेस्ट मैंने लोकल करवाया था, रात का एक बज गया था, एक बज चुका था. तो एक बजे मैंने एयरपोर्ट के अंदर तो मैं आ गई थी, बट चेक इन काउंटर के लिए आई वॉन्ट RT-PCR का टेस्ट रिपोर्ट. तो इमेजिन, सॉरी, अराउंड 12 o'clock, दैट guy who took my sample, he said, मैडम सारे 12 बजे तक हम देखते हैं, आपकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, बाकी आपकी किस्मत है. एंड कैन यू इमेजिन मुझे क्या न्यूज़ मिली. दैट guy was talking to somebody कि शायद फ्लाइट 2 घंटे लेट हो गई है. सो नाउ इट इज़ अ मिरेकल फॉर मी. क्यों, क्योंकि मेरी रिपोर्ट 1 बजे आने वाली थी और फिर मैं जाती अंदर एयरपोर्ट पे, काउंटर पे लाइन में लगती, मुझे टाइम लगता अंदर पहुँचते पहुँचते, एंड वुड हैव बीन अ मेस फॉर मी. और फ्लाइट 2 घंटे लेट हो गई, सुबह 3 बजे की जगह सुबह की 5 बजे हो गई. 2 घंटे का टाइम मुझे मिल गया. एग्जैक्ट 1 PM मुझे ईमेल मिल गई थी मेट्रोपोलिस लैब से, मेरी टेस्ट रिपोर्ट वॉज नेगेटिव. और आज इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक वो सरकार वाली टेस्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं आई मेरे पास, ना फ़ोन पे ना ईमेल पे. So God knows what is good for me, and if I trust it, it will happen. So delay of the flight, I now feel it was for me. अब यही हम normal लोग होते हैं जो law of attraction को नहीं मान पाते, because वो हमें दिखता नहीं है, हम सब doubt करते हैं, यार क्या होगा, नहीं हुआ तो हम कहाँ जाएंगे. And law of attraction is responding to your feelings, कि मैं नहीं जा पाऊँगी, क्या होगा, नुकसान हो जाएगा. तो आप वो क्रिएट कर रहे हो, तो वही क्रिएट हो जाता है और आप नहीं जा पाते. सो ये स्टोरी सुनाने का एक ही मकसद है, ट्रस्ट यूनिवर्स, ऑलवेज टेल यूनिवर्स, मेरा जो भी होगा अच्छे के लिए हो रहा है. इवन इफ मेरा रिपोर्ट नहीं आई, इट इज़ ओके, दे मस्ट बी समथिंग गुड गुड फॉर इट. मैं अभी के मोमेंट में जो कर रही हूँ उस पर ध्यान दूँ. उस समय मेरे पास कुछ और करने के लिए था, कुछ भी नहीं था. चॉइस मेरे हाथ में थी, या मैं टेंशन ले लूँ या मैं प्रेजेंट मोमेंट में इन्वॉल्व हो जाऊँ. सिंस आई हैड अ यंग बेबी, तो मैं इन्वॉल्व हो खेलने लग गई उसके साथ. तो मैं उस टॉपिक से हट गई. ठीक है, ना मैं रिपोर्ट खुद बना सकती थी, ना मैं, मुझे दूसरों के ऊपर क्रिप करके कुछ मिलना था. मेरे लिए वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था. तो वो जो वेट करना है, वो डिटैच्ड और हैप्पी और प्रेजेंट मोमेंट में इंजॉय करते हुए वेट करो, बिकॉज गॉड हैज़ गिवन यू दैट फ्री विल ऑफ चूजिंग वॉट यू वॉन्ट टू थिंक एंड वॉट यू डोंट वॉन्ट टू थिंक. सो ट्रस्ट मी गाइज, हताश नहीं होना, हार नहीं मारनी. कोई सिचुएशन विपरीत या ऑपोजिट आ गई है तो फटाफट उस सिचुएशन में से भी ग्रेटफुल होने के ऑप्शंस ढूंढो और ग्रेटफुल हो जाओ. क्योंकि आप जो उस सिचुएशन में अच्छी चीज़ें देख के ग्रेटफुल होने लग जाओगे, तो आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाएंगी, आप फिर फील गुड करोगे और लॉ इज़ रिस्पॉन्डिंग टू योर फीलिंग्स. सो दिस वॉज अनदर मिरेकल हैपेंड इन माई दिस ट्रिप. आई एम सो हैप्पी टू शेयर इट विद यू. And it is a miracle. I loved it. So I'm coming with another 2022 listing, how we have to plan our 2022 with our wishes. तो उसकी वीडियो मैं जल्दी ही लेके आती हूँ. I hope everything is well with you guys. I'm really sorry I'm coming after so late, but I will be quite regular now.
I'm back to my house, settled, and all is good. Thank you so much for listening to me. I love you all. Good day.